अच्छा रेस्टोरेंट आ गया है बॉम्बे के लिए, अच्छा होगा। अच्छा नहीं, मैं एक थोड़ी सी एक आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। मैंने इस रेस्टोरेंट का खाना कल ही खाया, क्योंकि मैं स्पेशल गेस्ट थी तो मुझे खाना भिजवाया गया। मतलब मैं उंगलियां नियली खा गई मेरी, इतना अच्छा स्वाद। कोई 5-स्टार रेस्टोरेंट, 7-स्टार रेस्टोरेंट से बेटर स्वादिष्ट खाना यहाँ पे है। ITC दिल्ली के मेन शेफ यहाँ के शेफ है, तो आपको अमेजिंग फूड, माउथ वाटरिंग फूड, और अभी त्योहारों के दिन में एक अमेजिंग रेस्टोरेंट खुल गया है। चूहू में वैसे भी बहुत कमी थी, अंधेरी लोखंडवाला से लेके बांद्रा तक हम लोग को एक स्वादिष्ट यम्मी कुछ अलग रेस्टोरेंट की जरूरत थी, और ये विला 49 के। मैम अभी काफी लोगों से बात हुई जो आके ऑलरेडी अंदर गए, वो भी ये कह रहे हैं कि 5-स्टार होटल में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए फैमिलीज के लिए जो खासकर जो इकोनॉमी की बातें हो रही है कि हर जगह महंगाई महंगाई महंगाई, तो 5-स्टार रेस्टोरेंट की जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बेटर क्वालिटी फूड, वैसे ही डेकोरेटेड फूड, वैसे ही सर्विंग स्टाइल में, वैसे ही एम्बियंस में यहाँ पे मिल जाएगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे एडम अमीषा मैम, आइए विशेष दे रही हैं, आपको कैसा लग रहा है सर? अमीषा जी जो मेरी सिस्टर है वो हमेशा कहीं भी जाती है तो सबको बेस्ट विशेष ही देती है और अच्छा ही बोलती है, और वाकई में उनके आने से विला 49 को 4 चांद लग गए। नहीं लेकिन मैं खाना खा चुकी हूँ कल और आपके सामने खड़ी हूँ मैं खुशी से, तो जैसे मैंने कहा मैंने लिए अपनी उंगलियाँ खा गई कल, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया ताकि मैं यहाँ आके जस्टिस कर सकूँ, तो मैंने अपना पेट खाली रखा है आज के दिन। बिग बॉस की मालकिन आप बनी है, कैसा लग रहा है आपको? काफी धमाल मचा आपने बिग बॉस के घर पे, क्या कहना चाहिए आप? आपने डांस करके पूरे इंडिया को नचा दिया है। अच्छा आदत है पहले फिल्म से इंडिया को नचाने की, तो वही मैंने कैरी ऑन किया। थैंक यू। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है मैम आपको? सुपर रिस्पांस मिल रहा है, मेरे फैंस, मेरे वेल विशर्स, मेरे फ्रेंड्स, ऑडियंसेस इतने खुश हैं, और खास करके वो हमेशा अमीषा को एक स्वीट अच्छे अंदाज में देखते हैं। तो काफ़ी लोगों का ये रिस्पॉन्स था कि मैम पहले जब आप अंदर जा रही, तो मुझे ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह से और ऑडियंस के रिस्पॉन्स, जहाँ भी मैं जाती हूँ, एयरपोर्ट्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, जो भी पब्लिक प्लेसेस हो, बोलते हैं मैम मैम हम हमेशा आपको याद करते कि आप एकदम स्वीट। हम लोग को लगा कि मालकिन कैसे उन पर सब अंदर जाके कैसे उनको सीधा करेगी, लेकिन रिस्पॉन्स देख के हम लोग इतने खुश हैं कि आप अंदर जाके एकदम बॉस बन गए। तो मैंने बोला हाँ बिग बॉस का घर तो मेरा घर है, मैं मालकिन हूँ तो बॉस बनना ही था। तो आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? आप एक्चुअली मैं पहले दिन काफ़ी गई थी अंदर, और ये जजमेंट कॉल लेना कि कौन फेवरेट था कोई नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि फेयर चांस सबको देना चाहिए और सब अपने काबिलियत से ही जीतेंगे, क्योंकि ये शो सब जानते हैं कि स्क्रिप्टेड तो है नहीं। तो जो अंदर होगा तो लोगों की जो यू नो फाइटिंग है, असलियत है, वो तो बाहर उभर के आएगी ही। तो पहले दिन तो सब काम था, तो बिग बॉस अभी देखते हैं क्या क्या होता है। जिस तरह से आपने कोरोना में आज में आपने एंट्री मारी थी, तो आपने बिग बॉस में काफी डबल डेब्यू एंट्री मारा जा रहा है, कहा सलमान सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सलमान सर मेरे को स्टार रहे हैं, मैं सर नहीं बोलती, वो तो मेरे लिए सलमान ही है, मेरे अच्छे फ्रेंड है, और मैं उनको फिल्मों से आने से पहले जानती हूँ, जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी शुरुआत सलमान के साथ तो बहुत पहले की दोस्ती है, और हमारी फिल्म की शूटिंग के दौरान भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम लोग फिल्म की, और हमारी दोस्ती जारी है। और बिग बॉस सलमान खान से ज़्यादा बिग बॉस के लिए उनसे बेटर होस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एकदम आम आदमी के थ्रू, मतलब उनकी पहुंच है, और वो रिलेट कर सकते हैं जिस तरह से वो जोक करते या डांटते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है उनको देखने, बहुत एंटरटेन होते, तो दे कैन बी नो वन बेटर फॉर बिग बॉस देन सलमान खान। अमीषा यू मे बी हैविंग थोड़ा बिग बॉस में आने से पहले एक शायद आप थोड़ा। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। अनाजे जी हमारे बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त हैं, और मैं चाहती हूँ कि विला 49 जो है वो सारे यहाँ के जितने भी क्लब्स हैं उसको फ्लॉप कर दे। बेस्ट विशेज ऑलवेज, और हमेशा अच्छा रहेगा काम और आगे बढ़ेगा, इसके साथ और ज़्यादा क्लब खोलिएगा, ठीक है? थैंक यू। और कटिंग के लिए मुझे ही बुलाना।
काफी ओपनिंग में काफी इनोग्रेशन में आप काफी दिख रही हैं आजकल, क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। मैंने अभी एक शारिफ के साथ वेब सीरीज की और एक मेरा म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाला है पंजाबी स्पीड रिकॉर्ड के साथ सहा मेरे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं जो हो सकता है एज ए प्रोड्यूसर मैं वर्कआउट करूँ अभी, और मतलब उसमें मैं ही दिखूँ। तो लेट्स सी, अभी बहुत सारा काम है, अभी टाइम ही कितना हुआ है, इंडस्ट्री के अंदर आए हुए मुश्किल से 18 महीने हुए हैं और बहुत काम कर लिया अल्लाह का शुक्र है, और ऊपर वाले ने बहुत इज्जत से नवाजा है, तो अभी तो शुरुआत है, एकदम से किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बिग बॉस लास्ट में कितना फॉलो कर रही है, बिग बॉस में कुछ नया हो रहा है, कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं बताइए उनका। सी बिग बॉस, मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि बिग बॉस के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो पब्लिक ऑडियंस नेचुरल चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है, तो लेट्स सी अभी तो 3 हफ्ता हुआ है, अभी आई थिंक TRP 1.4 रही है। मैं दिल से चाहती हूँ अच्छा जाए, बेस्ट विशेज है मेरी बिग बॉस टीम के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ खड़े हैं तो बिकॉज ऑफ कलर्स, सो थैंक यू, लव यू कलर्स। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा लॉन्च है 49 का, क्या कहेंगे? यहाँ मेरे सारे अजीज दोस्त आरसी जी और मेरे सारे दोस्त आने वाले हैं, और उन्होंने जो बेस्ट विशेस दी तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और वो ऑलवेज रॉकिंग है, वो कहीं भी जाती है पार्टी में जान ला देती है, और मुझे अच्छा लगता है कि वो आते हैं, बहुत पॉजिटिव है, उनके वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है, तो कहीं भी जाती है तो मुझे अच्छा लगता है, और कहीं भी ऑलवेज गुड। बस अब अजय जी ने हमारे दोस्त हमारे पार्टनर ऑलरेडी विशेष दे दिए हैं, तो बस और कुछ नहीं, दैट्स इट, थैंक यू। हां बेस्ट विशेस यू आल्सो, आई एम सो सॉरी, बेस्ट विशेस यू आल्सो। मिला 49 के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, ऐसे तो बहुत से रेस्टोरेंट में बहुत से ऐसी जगह है, बट व्हाट इज समथिंग यू नो खासियत मिले हम लोग कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, फाइन डाइन कर रहे हैं, फैमिली क्राउड चाहिए ना पब, क्योंकि रोज नए पब खुलते हैं, हम चाहते हैं कि फैमिली क्राउड आवे, अच्छे लोग आवे, क्रीम क्राउड आवे, और अब यहाँ का फूड जो इंडिया का बेहतरीन सेफ है उनको स्पेशली लाए हुए हैं कि फूड कुछ अलग हक के फूड मिले। थैंक यू गाइस। कांत की एक मूवी कर रहा हूँ दरबार, आपने देखा होगा काफ़ी सीरियस में, अजय भाई मेरे भाई हैं, मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं, और ये विला 49 के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चले, और जैसा कि अजय भाई ने अभी बताया है कि खाने की क्वालिटी यहाँ की सबसे अच्छी होनी चाहिए, और इसकी क्वालिटी जो है वो सबसे बेस्ट है, अभी मैंने एक डिश ट्राई की है, बहुत ही टेस्टी है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आएँ और इस रेस्टोरेंट का नाम रोशन करें। अजय सर, विला 49 में ऐसा क्या है जिसको लोगों को आना चाहिए, और रेस्टोरेंट से इसमें क्या डिफरेंट है, फूड है या क्या है सब बताइए। यहाँ हम लोग जो है फैमिली क्राउड पे दे रहे, क्रीम क्राउड पे दे रहे, हमने ITC का जो दिल्ली का सेफ है, 30 साल से ITC में था, उनको लाया हुआ है, प्रमोट कर, बेस्ट शेफ है, बेस्ट शेफ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को बेस्ट चाहिए, हमेशा अच्छा फूड, अच्छी सर्विस, और अच्छे लोग आवे, अच्छा क्राउड आवे, तो और मेरे सारे दोस्त आए, मुझे खुशी हुई, और फिल्मी दोस्त आने वाले लोग यहाँ का फूड टेस्ट करें, खाना खावे, और प्लस ये बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये विला 49 डिज़ाइन बहुत अच्छा किया है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग एक साथ आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत यूनिक डिज़ाइन है, एंड इट्स वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। देखो आज तो खुशी का मौका है, और विला 49 ये यंग जनरेशन के लिए नहीं है बल्कि ये पूरी फैमिली के लिए, और बहुत अच्छा है। और विला 49 में आज यहाँ पर नए नए खाने के पकवान हो गए, तो क्या खाने की इरादा है? सारे आइटम। देखिए मेरा तो नॉनवेज फेवरेट है, और नॉनवेज में जो भी मिल जाता खा लेता हूँ, और यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात है वेज नॉनवेज सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से बनाता है, और टेस्टी जायकेदार बनाता है। लोगों से क्या कहना चाहिए आप? मैं तो लोगों को कहूँगा कि आप लोग सुबह से शाम तक यहीं बैठे रहो, क्योंकि यहाँ जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिल रहा है, इतना अच्छा बना है इन्होंने, और इतनी अच्छी सर्विस है।
हैप्पी एक्चुअली कि विला वापस आ गया. इससे पहले विला 69 था एंड नाउ 49. आई थिंक सम नंबर्स का कुछ यहाँ पे है, बट आई होप कि अब ये नया फिर से ओपन हुआ और ये विला बहुत अच्छे से चले. गुड विशेस देना चाहूँगी, और मेरी दोस्त ने खोला है तो आई एम सो हैप्पी फॉर हिम. और मैं डेफिनेटली यहाँ पे पार्टी करने आऊँगी विद माई फ्रेंड, जितने भी हैं उनको सबको बताऊँगी भी. और ये आई होप हैपनिंग हो और सबको बहुत खुशी मिले यहाँ पे आके और पार्टी करके सब इंजॉय करें. सर बहुत ही अच्छा रहा. मेरा नाम एहसान खान है, एक्टर हूँ, बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में की आपको मैं देखा होगा. अजय भाई हमारे भाई हैं और ये 49 जो है पूरे बॉलीवुड के लिए बना है. पूरा बॉलीवुड यहाँ आने वाला है और हर वक्त आएंगे और भाई को ब्लेसिंग देंगे. एहसान भाई मेरे भाई है, मेरे भाई से बढ़कर है और उनकी विशेष दिल से देते, वो किसी को भी विशेष देते दिल से देते. और वो आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि विला 49 पे मेरे दोस्त एहसान भाई आए. और विला 49 बहुत चलने वाला है इंशाल्लाह. और सर एहसान भाई का सर्विसेज आप प्रोवाइड करने वाले हैं विला 49 पे कस्टमर्स को, क्या बताना है? विला 49 में मैंने फाइन डाइन किया है और लॉन्च टाइप किया है. ITC का 30 साल पुराना सेफ है, उनको यहाँ लाया हूँ. मैं चाहता हूँ कि इनको अच्छी सर्विस, अच्छा फूड और अच्छे लोग आवे और फैमिली क्राउड आवे. मैं ज़्यादातर चाहता हूँ कि फैमिली क्राउड आवे. फैमिली सर ऐसा सब देखा इंडस्ट्री में बहुत कम इवेंट्स पे जाते हैं विला 49 के. एग्जैक्टली मैं कहीं नहीं जाता हूँ. अच्छा फील कर रहा है. एहसान भाई मेरे दोस्त है, मेरे भाई जैसे है और स्पेशली आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और वो मेरे हर फंक्शन में आते हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड है, भाई है मेरे. सर पहले तो मैं विशेष देना चाहता हूँ, बहुत सारे मेरे विशेष हैं भाई के लिए कि हमारा विला 49 एकदम चलना चाहिए. बोलो तो कैसा, एकदम फैमिलियर एटमॉस्फेयर, अच्छी सर्विस, उसके लिए मैं भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल. और मेरी इच्छा यही है कि बहुत अच्छे से रनिंग हो जाए, एकदम अच्छे से चले, बस ये मेरी दुआ है. होने वाला है इनकी तरह, एक बार इनको देखो. मुझे नहीं लगता इतने यूनिक ड्रेसिंग किसी की होगी. और उसी हिसाब से इनका जो लॉन्च है वो भी बहुत यूनिक होने वाला है. आई एम वेरी श्योर इनका जो टेस्ट होने वाला है फूड का एंड अलॉन्ग विद द एम्बियंस इट विल बी वेरी अमेजिंग. आई एम वेरी श्योर. आज आप क्या खाने वाले हैं? मैं सब कुछ ट्राई करूंगी. मैं एक चीज़ें ट्राई करूंगी. हाँ मैं कुछ नहीं छोड़ने वाली, बिकॉज इतना टेस्टी खाना आई रियली डोंट थिंक कि आसपास किसी भी लॉन्च में हमें मिलेगा. सर के बारे में क्या कहना चाहिए? सर को आप देखिए एक बार, इतनी यूनिक ड्रेसिंग सेंस किसी की नहीं है. चाहे टॉप टू बॉटम, चाहे कैप हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे जैकेट हो, चाहे शूज हो, एंड ये जितने गोल्ड पहनते हैं उनका हार्ट उतना ही गोल्डन है. आई नो मैं ऐसे जनरली ज़्यादा लॉन्च किसी के लॉन्च में जाती ही नहीं हूँ, बट क्योंकि इन्होंने बुलाया था तो मैं मना नहीं कर पाई. मेरी मीटिंग थी, मैंने कहा लेट्स फाइंड इट अप, कल मिलती हूँ, क्योंकि आज मुझे यहाँ डेफिनेटली टाइम से जाना है. सो आई एम वेरी ग्लैड कि डेफिनेटली ये नहीं बुलाते तो मैं इनकी जान निकाल लेती. तो बुलाएंगे और मैं भी आई हूँ. सो येस लेट्स रॉक इट, लेट्स गो इनसाइड. आई एम वेरी क्यूरियस टू सी दी एम्बियंस एंड टेस्ट द डिलीशियस फूड. एंड आई वुड एडवाइस एवरीबडी कि यहाँ आओ, एक बार ही आओ, क्योंकि आई एम वेरी श्योर उसके बाद तुम पक्का आओगे ही आओगे, बार बार आओगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार दोस्तों, आप सबको शुभकामनाएं. और आज देख ही रहे हैं आप करवा चौथ की कब्रत तोड़वाकर भी आया हूँ सर. इधर आ जाइए, वरना चांद अगर बाइट कर देना, बाइट रात में सारे निकल रहे सर. ये विला 49 में जिला 49 कह सकता हूँ, जिला 49, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का, हर जिले का स्वाद, हर जिले का खूबसूरती, रूप, रंग, म्यूजिक, संगीत, खाना पीना सब मिलेगा. तो मैं इनके जो कर्ता धरता है भाई, हमारे अजय भाई और तमाम लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ. बहुत ही मुबारक दिन इन्होंने रखा है विला 49, आज करवा चौथ के दिन रखा है, तो करवा चौथ की भी सबको शुभकामनाएं और विला 49 की भी सबको शुभकामनाएं. और यहाँ व्यंजन की काफ़ी अच्छे व्यंजन दिल्ली से आए हुए यहाँ. अरे वाह,
तो ये बहुत अच्छी दिन आया क्योंकि आज ही के दिन व्यंजन अच्छा चाहिए, क्योंकि घर की पत्नियां जो है व्रत तोड़ती है, तो उन्हें अगर अच्छा व्यंजन नहीं मिला तो फिर साल भर आपको अच्छा व्यंजन नहीं मिलेगा। अगर हमें अच्छा व्यंजन नहीं मिला तो फिर हम साल भर इनको तो देखिए हम पत्नियां ऐसी होती हैं कि पूरे साल भर बहुत सारी डिमांड करती हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए ऐसे चाहिए वैसे चाहिए छोटा चाहिए बड़ा चाहिए अच्छा चाहिए, तो हम सारा साल जो है ना इन पतियों को मतलब जीने नहीं देते, पूरे साल अपनी डिमांड करते और साल में एक दिन करवा चौथ रखते हैं और फिर ईश्वर से कहकर इनको मरने देते हैं, तो ये सब कुछ हमारे हाथ में होता है। देखा जाए तो करवा चौथ का ये टाइम ही चल रहा है, करवा चौथ का संबंध होता है चांद से, और आप देखिए सारी चांद वाली फिल्में आ रही है, बिग बॉस तो आ चुकी है, ओजरा चमन आ रही है, बाला आ रही है, हाउसफुल 4 उसमें तो चार चांद है, तो ये समझ लीजिए कि ये सब मुझे लगता है कि चांद की मदद करने के लिए आ रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा सिफारिश करने के लिए चांद सिफारिश वाले गंजा आदमी बेचारा आज के दिन तो घर में छुपता फिर रहा है, क्योंकि अगर गंजा कहीं दिखाई दे तो गाना गाने लगती महिला है, तुम आए तो आया मुझे यार गली में आज चांद निकला। और हमारे रिस्पेक्टेड होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होम मिनिस्टर अमित शाह जी की तरफ से देश के तमाम होम मिनिस्टर्स को यानी गृह मंत्री को करवा चौथ की शुभकामनाएं। मेरे पत्नी ने भी करवा चौथ का उपहास रखा तो हमने कहा गिफ्ट क्या चाहिए, तो वो बोली उजड़ा चमन। मैंने कहा किससे कह रही हो तुम उजड़ा चमन, बोली ये उजड़ा चमन पिक्चर देखना, तो मैं बोला उजड़ा चमन तो क्या, बाला भी दिखाऊंगा हाउसफुल भी दिखाऊंगा, चांद मुबारक। मित्रों आप खुश रहिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप पर कोई धारा नहीं लगेगी, केवल एक ही धारा लगेगी, धारा शुद्ध धारा। ये तो मजाक की बात है, पर हम लोग यहाँ पे हैं बिकॉज हमारे दोस्त हैं अजय जी और उन्होंने नया रेस्टोरेंट खोला है, और लेट्स सी ऐसे मुश्किल हालात में नया ओपनिंग इट्स रियली चैलेंजिंग। यार मुझे पूछोगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, उसके बाद वो भी डाइट पर रहती हूँ, तो वेज में देखती हूँ अंदर जाके क्या है, बट आई एम श्योर कि आजकल हेल्दी डाइट्स होती है सबकी, तो देखते हैं कि बिकॉज फिल्मी क्राउड बहुत ज़्यादा होगा, हेल्थ कॉन्शियस लोग होंगे, तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ सैलेड से संबंधित अच्छी चीज़ें होंगी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? और भी बोलिए। आज से नहीं, बहुत पहले से एक खूबसूरत जगह है, यहाँ पे लोग आते हैं और इंजॉय करते हैं, यहाँ का खाना, यहाँ का फ्लोर, यहाँ का डांस, यहाँ के डीजे, एक से एक यहाँ उनका ऑर्गेनाइज होता है, फ्राइडे सैटरडे वेरी नाइस नाइट होती है यहाँ पे, हम यहाँ रेगुलर है और हमें अच्छा लगता है। मेरा नाम कन्हैया है, मेरा बिजनेस है प्रॉपर्टी का, और बेस्ट विशेस करना चाहता हूँ विला 49 को, और सब लोग को यहाँ आने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ रेगुलर आए और अपना एंजॉय करें, और यहाँ पे कोई चीज़ की आपको तकलीफ नहीं है, यहाँ एकदम कंफर्टेबल हो, फैमिली के साथ आइए या ऐसे आइए, आपको यहाँ बहुत कुछ अच्छा लगेगा। गुड लक। थैंक यू। से क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी सेलिब्रिटीज आ गए हैं, आप भी आए, क्या विशेष देना चाहेंगे सर? बिल्कुल गुड विशेष देना चाहता हूँ अजय जी, जो कि मेरे बहुत प्यारे और बहुत ही अच्छे मित्र हैं, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि विला 49 बहुत ज़्यादा चले और लोग यहाँ आए, और बहुत बहुत ही प्यारा एक ये बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारा जॉइंट है, मुझे लगता है कि इसको चलने से कोई रोक नहीं सकता, हमारी गुड विशेष हैं अजय जी, और जिस तरह से बनाया मुझे लगता है कि लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं, मेरी तरफ से गुड विशेष। जी सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आए लॉन्च पे, काफ़ी लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छे दोस्त थे, इनके आने से मुझे ज़्यादा खुशी हुई, मेरे जितने भी करीब दोस्त थे मैंने जिनको भी बोला वो सब आए, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे करीबी सारे लोग आए।
सब वेल विशर हैं, सब वेल विशर हैं अजय जी। थैंक यू मैम। विला 49 को क्या विशेष देना चाहेंगे आप? मेरे तरफ से विला 49 और अजय जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे और बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैंने उनकी मेहनत देखी है कि कितने उन्होंने मेहनत किया है विला 49 को स्टैब्लिश करने में। और मेरी बेस्ट विशेज है कि विला 49 का ब्रांच सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो, बहुत सारे हो, बहुत तरक्की करे। माई बेस्ट विशेज टू दी एंटायर टीम ऑफ विला 49। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जरूर कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं अजय जी को। और विला 49 नाम ही यूनिक है, और क्या बोलते हैं, सभी यहाँ मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि सभी लोग आए और विला 49 को विजिट करें और बहुत इन्जॉय करें, क्योंकि अजय जी आप देख सकते हैं वो एकदम अलग है, उनका ड्रेस अप, उनका हर चीज़ अलग है। तो ऐसे ही विला 49 भी अलग और अनोखा उन्होंने डिजाइन किया है, और इसीलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं अजय जी। थैंक यू। क्योंकि ये 30 डेज तो होते हैं, तो कहने का मतलब 30 डेज और बाकी की जो 90 नाइट्स है सब फुल रहेंगी। 49 इसलिए नाम रखा है 49। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अजय जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगी कि इतना अच्छा क्लब बनाया है, इतना नाम है उसका, पहले से ही इतना हाइप हो गया है और हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। वेरी नाइस, सीरियसली मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू मैम। आप क्या विशेष देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छा खोला है आपने, और ये जो एनवायरनमेंट है ये बहुत जगह नहीं मिल पा रहा है, आप क्लबिंग इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी फूड है। सो आई विश कि आप सब लोग यहाँ पर आए और इंजॉय करें, इट्स वेरी गुड गेम। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड के एक से देख के बाद एक बराबर गेस्ट आ रहा है, कैसा फील कर रहा है सर? ये सारे मेरे दोस्त थे और मुझे अच्छा लगता है ये आते, तो कि मेरी जगह पे ये आते, बेस्ट विशेस देते, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, और ये मेरे बहुत फैमिली जैसे है, और ये जब आते तो मुझे खुशी होती है। थैंक यू। थैंक यू मैम। आप क्या कहना चाहिए आज? आप क्या व्यंजन खाने वाले आपको खाया थे? लॉट ऑफ वेराइटीज हियर, तो मैं सारा कुछ टेस्ट करने वाली हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि अजय जी का यहाँ पे ये क्लब ओपन हुआ है, रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो मैं हमेशा यहाँ आऊँगी, जब जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मुझे मौका मिलेगा, मैं यहाँ आऊँगी एंड सेलिब्रेट करूँगी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अजय जी को कॉन्ग्रेचुलेशन, अजय जी बधाई हो। अजय जी बाकी लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ करते हैं, वो फ्री में लोगों को, दोस्तों को, सबको पार्टियां तो करवाते रहते ही हैं। आज स्पेशली जो इन्होंने अपना कैफ़े लॉन्च बार जो खोला है, तो उसके लिए हमें काफ़ी खुशी है कि मतलब हमारे फ्रेंड का है, तो भी नॉर्मली हम लोग क्लबिंग कम करते हैं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है, लेकिन अभी अजय जी का है तो आना ही पड़ेगा, तो अच्छा लग रहा है। और आसपास के एरिया में हमें रिक्वायरमेंट भी थी एक अच्छे कैफ़े बार की, और एक अच्छा इंसान खोले तो वो भी बेहतर होता है। एक्चुअली मैं हद से ज़्यादा फूडी पर्सन हूँ, क्योंकि फैमिली हरियाणा से बिलोंग करती है, तो मैं पनीर चीज़ काफ़ी सारी चीज़ें खाती हूँ, तो मतलब प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन में कुछ भी मुझे मिलेगा सब चलेगा। मैं डाइटिंग पर्सन नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो बेहतर ही है। तो ओपनिंग के टाइम पे मैं स्पेशली आती हूँ कि ओपनिंग के टाइम पे स्पेशली काफ़ी सारी डिशेज मिलेंगी, खाने को काफ़ी कुछ मिलेगा जो नॉर्मली बाकी दिनों में नहीं होता है। तो कश्मीरी हूँ भाई, मुझे तो कश्मीरी कुजीन बहुत अच्छा लगता है, बट देयर इज मुगलाई, चाइनीज, ऑल काइंड्स ऑफ फाइव, एंड आई एम ए फूडी, सो आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फूड, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ ग्रेट इवनिंग। वंडरफुल पोस्ट, सो आई एम वेरी श्योर कि ये विला 49 ये बहुत अच्छी तरह से चलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड दिस इज अ लवली प्लेस, आई हैव जस्ट सीन द प्लेस, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, आई मीन आई रियली लाइक इट, एंड आई विश यू ऑल द
best in your new venture, Villa 49. Sir, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आई हूँ आज का फूड भी पसंद करेंगे, खाना खाते हैं। ये मेरी फैमिली फ्रेंड है और इनके आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इनको बहुत सारे सीरियल्स, मूवीज, इन्होंने बहुत सारी सीरियल्स, बहुत सारी मूवीज दी है, बहुत अच्छी एक्टर है और ब्रिलियंट है, और इनके आने से मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मेरे यहाँ आए। थैंक यू सर। लास्ट क्या कहना चाहेंगे, फ्रेंड से सजेस्ट करना चाहेंगे या फूड के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक तो यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, आप अगर अंदर जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि यू आर इन क्रैम्प्ड मुंबई। इट्स स्पेशियस, बहुत अच्छा है, एंड इट हैज 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीटिंग्स व्हिच यू विल एंजॉय, एंड द फूड इज वेरी गुड। यू मस्ट कम एंड एंजॉय दिस विला 49। सर, आपके ऊपर एडम करना चाहेंगे, विला 49 का लॉन्च है क्या कहना चाहेंगे? विला 49 विल बी दॉट यूनिक एंड विल बी वेरी सक्सेसफुल इन कमिंग ईयर। थैंक यू। 49 का लॉन्च सामने देखिएगा, क्या कहना चाहेंगे, क्या विशेष देना चाहेंगे सर? मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बहुत 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 बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा ग्रैंड ये किया, लॉन्च किया, और ऐसे ही वो सक्सेस करते रहे, और ये जो इवेंट है, जो इनका जो ओपनिंग हुआ है, वो बहुत आगे सक्सेस हो जाए और बहुत आगे बढ़े और ऐसे ही चलते रहे आगे। सर, मिस्टर इंडिया ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत बड़ी बात होती है, 2017 में आपको मिस्टर इंडिया का अवार्ड मिला, सर कैसा प्राउड फील करते हैं? इंडिया से आपका नाम जुड़ा है, साइलेंट प्लीज। बहुत प्राउड फील करता हूँ आफ्टर विनिंग मिस्टर इंडिया, एक लाइफ ट्रैक ही चेंज अलग लेवल पे चला गया, लोग जाने लग गए, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। सर, अभी आपका नया सॉन्ग आने वाला है जो एनसी प्रोडक्शन लॉन्च कर रहा है, आपको उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सॉन्ग तो आ रहा है बट वो थोड़ा सस्पेंस है सॉन्ग, बट हाँ आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि मैं वेट कर रहा हूँ कि एक सॉन्ग कब लॉन्च हो रहा है और मैं कब आप सबको फिर से एक इंटरव्यू दे रहा है इस सॉन्ग के रिलेटेड। सर, एनसी प्रोडक्शन वाले क्या कहना चाहेंगे जो आपको लॉन्च कर रहे हैं? MCM इट्स अ गुड प्रोडक्शन, और ये कि पहला सॉन्ग जो मेरा है और मैं उनके साथ ही लॉन्च कर रहा हूँ, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी विद फॉर मी टू वर्क विद MCM। थैंक यू।